फिरोजाबाद के वार्ड संख्या 36 नगला पचिया में नाला निर्माण कार्य कराए जाने हेतु क्षेत्रीय पार्षद एवं आम जनता द्वारा विगत काफी समय से मांग की जा रही थी, जिसके चलते नगर निगम के संबंधित अवर अभियंता से आग्रह तैयार कराने के बाद महापौर नूतन राठौर द्वारा वार्ड संख्या 36 नगला पचिया में RCC द्वारा नाला निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया गया। मेयर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा पूरा ही वार्ड कच्चा था। उसने बच्चों को, महिलाओं को, सबको निकलने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब मेरा वार्ड एक अच्छा वार्ड बन गया है, क्योंकि पूरे वार्ड में मेरे में विकास हो चुका है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो हो जाएगा, पर मतलब पूरा हद तक हो ही गया है। मैं मेयर साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके साथ ही महापौर द्वारा आज वार्ड संख्या 37 आर्य नगर में भारत माता पार्क के पास स्थित शौचालय के चारों ओर इंटरलॉकिंग का कार्य का शुभारंभ भी किया गया। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज नगर निगम के वार्ड नंबर 37 आर्य नगर में भारत माता पार्क के बगल में एक सामुदायिक शौचालय है। यहाँ पर जब शौचालय का निर्माण कराया था और इसका लोकार्पण हुआ था, तो यहाँ आसपास के जितनी भी क्षेत्रीय महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, उन्होंने अपनी एक बात रखी थी कि यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है, क्योंकि शौचालय का प्रमाइसिस है, तो इस दीवार को थोड़ा सा उठा दिया जाए ताकि बाहर से अंदर का ना दिखे, तो उनकी इस बात को लेकर। साथ ही यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड में कच्चा एरिया पड़ा हुआ है इसी प्रमाइसिस के अंदर, तो उसमें इंटरलॉकिंग बिछाने का कार्य, साथ ही इस ग्राउंड की बाउंड्री वॉल कराने के कार्य का आज हमने शिलान्यास किया है। और इस कार्य की कुल लागत लगभग 8 लाख रुपए है। यहाँ के क्षेत्रवासियों के कहने पर माननीय पार्षद के प्रस्ताव पर इस कार्य को स्वीकृति मिली। लेकिन जो मेजर समस्या थी कि यहाँ का पूरा पानी की निकासी कैसे की जाए, तो आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, इन लोगों को पिछले 4.5 साल से काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इवन जैसे कि हम देखते भी हैं कि बच्चों को जाने में बहुत असुविधा होती है, बरसात का समय है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ये सारी चिंता इन लोगों की थी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड है मेरे पीछे, यहाँ पर RCC नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। ये लगभग 350 मीटर का नाला है और इसकी लागत लगभग 40 लाख रुपये है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ कि एक नाला और उसके आगे काम चल रहा है। ये दो पार्ट में काम हुआ है यहाँ पर। एक पूर्व बैठक में हमने यहाँ पर स्वीकृति दी थी एक नाले की, जिसका काम भी शुरू हो चुका है, और ये कार्य भी अब JCB से खोदना शुरू कर दिया है कच्चा नाला। तो मुझे लगता है जब ये नाले बन जाएंगे, पूरा जो मुरली नगर के नाले में ये डंप होगा यहाँ का पानी पूरा निकल के, तो यहाँ के लोगों की जो अब तक की समस्या थी जल भराव की, और जो यहाँ का पानी नहीं निकलता था, जैसे रेगुलर का पानी भी निकलने में हम यहाँ पर मशीनें लगाते हैं जल कल की, तो वो सारी जो असुविधा थी उससे इनको निजात मिलेगी। और एक अच्छा और खुशनुमा वातावरण, एक सफाई व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य किया जाएगा, नालियाँ साफ दिखेंगी, जल भराव की कंडीशंस जो स्थिति थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है इस काम के होने के बाद।